हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर ₹20,000। दोस्तों, इस टाइम पर काफी रिसर्च करने एंड टाइम देने के बाद टॉप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन शॉर्टलिस्ट किए हैं इन दिस प्राइस सेगमेंट, जहाँ पर आपको फ्लैगशिप कैमरा सेंसर मिलता है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके अलावा बाकी स्पेक्स भी इंटरेस्टिंग मिलते हैं, लाइक 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6000mAh बिग बैटरी विद फास्ट चार्जिंग एंड पावरफुल 5G CPU। तो गाइस, अगर आपका बजट इस टाइम पर 20,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको इस प्राइस बजट के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन परचेज करना है या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हो जो कैमरा से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, देन ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर देगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये मिड रेंज सेगमेंट के अंदर सैमसंग का वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू के साथ साथ वन UI को एक्सपीरियंस करना है जो एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट UI मानी जाती है, देन इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसकी जगह आप सैमसंग के ही गैलेक्सी F34 को भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम स्पेक्स एंड सेम डिजाइन के साथ आते हैं। प्राइस में आपको 500 से 1000 तक डिफरेंस मिलेगा। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में रेक्टेंगुलर शेप ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है विद OIS जो सैमसंग के खुद के GN5 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 अल्ट्रा वाइड और 2 माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS विद 4K दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है जो जबरदस्त परफॉर्म करता है। डिलाइट कंडीशन में आप यहां से बेस्ट फोटोज और वीडियोस निकाल सकते हो, काफी स्टेबल आउटपुट मिलेगा, बट हां, ये नाइट के अंदर स्ट्रगल करता है। दोस्तों, अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.5 इंच का FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट रेप्रेशन सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1000 nits ब्राइटनेस और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। ये 2-shot कर्व्ड बैक पैनल के साथ आता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1280 जो एक 5G कैपेबल CPU है, ओनली 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। सिंगल चार्ज पर आपको ये लंबा बैटरी बैकअप देगा। सेम CPU इसके प्रीवियस जनरेशन गैलेक्सी M33 के अंदर भी मिला था, 5 lakh के अराउंड अद्भुत स्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पर अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है और ये आपको फुल फ्लैश वर्जन मिलता है, कोई भी कोर वर्जन नहीं है। 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, 2 SIM के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है बिकॉज इसमें 4 साल तक OS अपडेट्स एंड 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर, नॉक सिक्योरिटी और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 18499, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को ओनली 16999 17000 रुपए में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 Pro 5G। ये मिड रेंज सेगमेंट के अंदर फ्लैगशिप OIS कैमरा ऑफर करता है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और ये एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन भी है इन दिस प्राइस सेगमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं मिलते हैं। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में अगेन ट्रिपल कैमरास मिलेंगे ट्रायंगल शेप में। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है विद OIS जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाट और 2 माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p मतलब फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। नियर टू फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। डेलाइट कंडीशन में बेस्ट फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो, बढ़िया परफॉर्म करता है बट नाइट के अंदर स्ट्रगल करता है। दोस्तों, अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.67 इंच का FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले
मिलेगा विद सेंटर पंचोल 120 Hz फास्ट रिप्रेसर सपोर्ट करता है। डिस पेपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 900 Hz ब्राइटनेस, 240 Hz का TSR और ये HDR10+ सपोर्ट करता है। डिस्प्ले भी टॉप क्लास मिलता है, बट हाँ ये फ्लैट एजेस के साथ आता है बिकॉज बॉक्सी फ्रेम दिया गया है। बैक साइड में ग्लास दिया गया है विद ग्लॉसीपनेस जो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 1080 5G कैपेबल CPU 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसको आप Dimensity 930 के साथ कंपेयर कर सकते हो, 920 930 के सिमिलर परफॉर्म करता है, 4 लाख के अराउंड अतुल स्कोर आता है। डे टू डे यूज में अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम जो की MIUI 13 पर बेस्ड है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। डुअल सिम स्लॉट दिया गया है, 2 सिम लगा सकते हो, SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP53 की रेटिंग, IR ब्लास्टर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक मिलेगा। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 21999 बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 3000 ऑफ मिलेगा। आप इस फोन को ओनली 18999 ₹19000 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T2 Pro 5G या iQOO G7 Pro 5G। दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम स्पेक्स एंड सेम डिजाइन के साथ आते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग का डिफरेंस है। G7 Pro के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है जबकि T2 Pro के अंदर आपको बेटर कैमरा क्वालिटी मिलती है एज कम्पेयर टू G7 Pro 5G। बाकी दोनों की प्राइसिंग में आपको 1000 से 1500 तक डिफरेंस मिलता है। दोनों में से किसी भी फोन को चेकआउट कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस बजट पर बेस्ट है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में स्कोर शेप कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें रेक्टेंगुलर शेप डुअल कैमरास की प्लेसमेंट की गई है। प्राइमरी लेंस 64MP का मिलेगा विद OIS, साथ में 2 का बोकी लेंस मिलता है बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K रिकॉर्ड करते टाइम EIS और OIS दोनों प्रॉपर वर्क करते हैं जिससे आपको काफी स्टेबल वीडियोस और फोटोज मिलते हैं। डेलाइट कंडीशन में नो डाउट जबरदस्त परफॉर्म करता है। वैसे भी वीवो का फोन कैमरा के लिए ही जाना जाता है, कैमरा से आपको शिकायत नहीं होगी इन दिस प्राइस सेगमेंट। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.78 इंच का FHD+3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिप्रेसर सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR10+ सपोर्ट, 1200Hz टच सैंपलिंग रेट और 13Hz ब्राइटनेस मिलती है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले एक्सपीरियंस करना है जिसमें बेटर गेमिंग और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है एज कम्पेयर टू फ्लैट डिस्प्ले, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। बैक साइड में AG ग्लास मिलेगा विद ग्लॉसीपनेस और इसमें आपको एक यूनिक फीचर मिलता है ओरा लाइट। ये काफी स्लिम एंड लाइट वेट फोन है, ओनली 7.3mm थिक एंड 175g वेट के साथ आता है। इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 7200 जो एक 5G कैपेबल CPU है, ओनली 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 7 लाख के अराउंड अतुल स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 60fps ऑप्शन मिलेगा, 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। यहाँ पर 4600mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग और सिंगल मोनो स्पीकर मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। फिलहाल आपको वेट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसकी एक्चुअल प्राइस है 23999 बट डोंट वरी, अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये स्मार्टफोन आपको ओनली 21999 22000 में मिलेगा। देखो अगर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए देन इसको चेकआउट कर सकते हो। आपको 1000 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बट उसके बदले आपको बेस्ट कैमरा स्पेसिफिकेशन और बाकी स्पेक्स भी टॉप नॉच मिल जाते हैं, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप कैमरा फोन्स अंडर 20 के हो पर वोट, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।